हेलो एवरीवन आज की इस वीडियो में हम क्लास फिफ्थ के सब्जेक्ट एनवायरमेंटल स्टडीज के मिड टर्म के एग्जाम को सॉल्व करेंगे तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन यहां पर सही ऑप्शन को चूज करके दिए गए क्वेश्चन के आंसर दीजिए क्वेश्चन इज एन आंट वॉज गोइंग अलॉन्ग ऑन द ग्राउंड एक चीटी जो है जमीन पर चल रही थी इट्स सो आ ग्रुप ऑफ आंट्स कमिंग फ्रॉम द अदर साइड इसने दूसरी तरफ से एक चीटियों के ग्रुप को आते हुए देखा द फर्स्ट आंट क्विकली केम बैक टू इट्स होल और जो पहली चीटी थी वो जल्दी से अपने होल के पास वापस आई द आंट गार्डिंग द होल रिकोगनाइज इट जो चीटी उसके होल की पहरेदार थी उसने उसे पहचान लिया एंड लेट इट इन और उसे जाने दिया हाउ डिड द आंट गार्डिंग द होल रिकोगनाइज इट किस तरीके से जो गार्डिंग आंट थी जो होल पर उसके बिल पर पहरा दे रही थी उसने उसे कैसे पहचाना तो यहाँ पर ऑप्शन है बिकॉज ऑफ इट्स स्पेशल स्मेल इसकी विशेष गंध के कारण बिकॉज ऑफ इज फीट उसके पैरों के कारण इट वॉज ऑल्सो अ गार्ड या फिर यह भी एक गार्ड थी इट वेंट फॉर अ वॉक या फिर वह घूमने गई थी तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिकॉज ऑफ इट्स स्पेशल स्मेल नेक्स्ट इज The animal shown in the picture sleeps happily by hanging upside down on the tree for seventeen hours. ये जो एनिमल इस पिक्चर में दिखाया गया है, ये एक पेड़ पर seventeen hours तक उल्टे लटके हुए बहुत खुशी से सोता है। He grows by eating the लीव्स ऑफ द ट्री ऑन विच ही लिव्स वह जिस पेड़ पर रहता है उसी की पत्तियों को खाकर जीवन जीता है When ही हैज eaten ऑल द लीव्स ऑफ द ट्री और जब वह उस पेड़ की सारी पत्तियों को खा लेता है only देन और केवल तब ही ही गोश्तू द नियर बाय ट्री तब वह पास के पेड़ पर जाता है इन its एंटायर लाइफ यह अपने पूरे जीवन में ऑफ अबाउट फोर्टी ईयर्स इट मीन्स यह अपने चालीस वर्ष के पूरे जीवन में इट हार्डली रोम्स ऑन एट ट्रीज यह केवल मुश्किल से ही आठ पेड़ों पर जाता है द नेम ऑफ दिस एनिमल इज इस एनिमल का क्या नाम है तो यहाँ पर ऑप्शन है पोलर बेयर मंकी स्लॉथ जयकाल तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड स्लॉथ नेक्स्ट इज दो एनिमल्स दैट आर अवेकट नाइट कैन सी थिंग्स ओनली इन वे जानवर जो कि रात में जागते हैं वे चीजों को केवल देख सकते हैं किसमें ब्लैक कलर वाइट कलर ग्रीन कलर और ब्लैक एंड वाइट कलर तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ ब्लैक एंड वाइट कलर्स नेक्स्ट इज विच ऑफ़ द फॉलोइंग मेजर्स विल यू टेक टू अवॉइड मॉस्किटोज इनमें से मच्छरों से बचने के लिए आप जो है क्या उपाय बरतेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन है यूज ऑफ मॉस्कीटो नेट यूज ऑफ मॉस्कीटो रेपलेंट डू नॉट अलाउ वाटर टू कलेक्ट अराउंड यू अपने आसपास पानी इकट्ठा नहीं होने देंगे सो देट मॉस्किटो डू नॉट ब्रिड ताकि उसमें मच्छर उत्पन्न ना हो सकें ऑल ऑफ द अबाव तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर ऑल ऑफ द अबाव इट मीन्स इन सभी मेजर्स को फॉलो करेंगे नेक्स्ट इज वॉट इन्फॉर्मेशन इज नॉट सोन ऑन द पैकेट ऑफ ब्रेड ब्रेड के पैकेट कौन सी इन्फॉर्मेशन नहीं दिखाई जाती है तो यहाँ पर ऑप्शन है एक्सपायरी डेट ऑफ ब्रेड ब्रेड की एक्सपायरी डेट मैन्युफैक्चरिंग डेट ऑफ ब्रेड या फिर ब्रेड की मैन्युफैक्चरिंग डेट या फिर एम या फिर कंप्लीट मेथड ऑफ मेकिंग ब्रेड ब्रेड बनाने की संपूर्ण विधि तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ ब्रेड के पैकेट पर कंप्लीट मेथड ऑफ मेकिंग ब्रेड नहीं दिखाई जाती नेक्स्ट इज हाउ डू सीड्स नॉट स्केटर इन नेचर किस तरीके से बीज प्रकृति में नहीं बिखरते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन है बाय एयर हवा से बाय रेडियो बाय एनिमल बाय वाटर तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड बाय रेडियो रेडियो के द्वारा बीज जो है नेचर में नहीं स्केटर होते हैं नेक्स्ट इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन वर्ड यहाँ पर जो है आपको वन वर्ड में क्वेश्चन के आंसर देने हैं क्वेश्चन इज वॉट डज सर मीन्स इन घरसी सर घरसी सर शब्द में सर का क्या मतलब है तो इसका मतलब है पॉन्ड इट मीन्स तालाब नेक्स्ट इज फ्रॉम विच कंट्री डिड लेडी फिंगर इट मीन्स भिंडी कम टू इंडिया किस देश से भारत भिंडी आई यानी कि लेडी फिंगर जो सब्जी है वो किस देश से आई तो कहाँ से आई अफ्रीका से नेक्स्ट इज वर्ट कॉज मलेरिया डिसीज मलेरिया बीमारी के क्या कारण है तो आंसर है फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो ये फैलता है फीमेल एनाफ्लीज मच्छर के काटने से नेक्स्ट इज एनीमिया इज कॉज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन और मिनरल एनीमिया जो बीमारी है यह किसकी किस विटामिन या मिनरल की कमी के कारण होता है तो किसकी कमी के कारण आयरन की कमी के कारण हमारे ब्लड में आयरन की कमी के कारण एनीमिया होता है नेक्स्ट इज वॉट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट इंडियन वोमेन पहली भारतीय महिला का क्या नाम है हु रिज्ड द पीक ऑफ माउंट एवरेस्ट जो कि माउंट एवरेस्ट की चोटी पर सबसे पहले पहुंची तो कौन थी बछेंद्री पाल नेक्स्ट इज हाउ डू फिस वॉन्ट ईच अदर अबाउट डेंजर किस तरीके से मछलियां एक दूसरे को खतरे के बारे में वार्न करती हैं तो आंसर होगा फ्रॉम इलेक्ट्रिक वेव्स इलेक्ट्रिक वेव्स के द्वारा नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई एंड मैच द फॉलोइंग विथ सेंस ऑर्गेंस यहां पर जो है आपको मैचिंग करनी है सी सोर तो सी सोर यानी कि समुद्र के किनारे को देखते हैं आईज आंखों से द फ्रेग्रेंस ऑफ द फ्लावर फूल की खुशबू को सुनते हैं नोट से ऑफ बस हॉर्न बस के हॉर्न के बजने की हमें सुनाई देती है किससे ईयर कान से नेक्स्ट इज इन द गिवन पिक्चर स्नेहा इज स्टैंडिंग फेसिंग टू द सन इन द मॉर्निंग स्नेहा इस पिक्चर में सुबह के समय सूर्य की तरफ फेस करके खड़ी हुई है लुक एट द पिक्चर केयरफुल्ली इस पिक्चर को ध्यान से देखो एंड फिल इन द ब्लैंक्स और ब्लैंक्स को फिल करिए डायरेक्शन इज टू द राइट साइड ऑफ स्नेहा स्नेहा के राइट right साइड में कौन सी डायरेक्शन होगी तो राइट right साइड में होगी साउथ डायरेक्शन नेक्स्ट स्टेज स्नेहाज बैक इज़ इन द डायरेक्शन स्नेहा की बैक जो है वो किस डायरेक्शन में है तो सूर्य सामने की तरफ है तो उसकी पीछे की तरफ डायरेक्शन होगी वेस्ट यानी कि पश्चिम दिशा नेक्स्ट स्टेज सन इन द डायरेक्शन सन जो है किस डायरेक्शन में निकलता है ईस्ट में यानी कि पूर्व दिशा में नाउ आंसर द गिवन क्वेश्चंस इन ब्रीफ बाय ऑब्जर्विंग द फॉलोइंग पिक्चर यहाँ पर ये पिक्चर दी गई है इसे आप ऑब्जर्व करेंगे ध्यान से देखेंगे और नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर देंगे क्वेश्चन इज शुड कैरोसिन ऑयल बी स्प्रिंकल्ड ऑन द वॉटर फिल्ड इन द पिट्स गड्ढों में जो पानी भरा होता है उस पर क्यों कैरोसिन ऑयल को डालना चाहिए तो यहाँ पर आंसर होगा बाई स्प्रेइंगरोसिन ऑन द वॉटर फिल्ड इन द पिट्स गड्ढों में भरे पानी पर कैरोसिन ऑयल को डालकर द ऑयल फ्लोट्स ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर जो ऑयल है वो पानी की सतह पर तैरेगा ड्यू टू विथ जिसके कारण द मॉस्क्यूटोज एंड लार्वे कैन नॉट ब्रीद एंड दे डाई जिसके कारण जो मच्छर हैं और जो लार्वे हैं वो सांस नहीं ले पाएंगे और वो मर जाएंगे अब यहाँ पर क्वेश्चन है Which disease can बी caused by mosquito बाइट्स मच्छर के काटने से कौन सी बीमारी होती है तो आंसर है मलेरिया डेंगू चिकुनगुनिया कैन बी कॉज बायटो बाइट्स नेक्स्ट इज वॉट शुड वी डू टू प्रिवेंट ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटोज अराउंड हमारे आसपास मच्छर को पैदा होने से रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए तो आंसर होगा डोंट लेट वाटर कलेक्ट अराउंड अर हाउस अपने घर के आसपास पानी इकट्ठा ना होने दें द पिट्स शुड बी फिल्ड गड्ढों को भर देना चाहिए कीप द वाटर पॉट्स यूटेंसिल्स टैंक्स एंड कूलर क्लीन जो पानी के बर्तन हैं पॉट हैं टैंक हैं और कूलर हैं उन्हें साफ रखना चाहिए दे शुड बी ड्राइड एवरी वीक उन्हें प्रत्येक सप्ताह में सुखाया जाना चाहिए कैरोसिन शुड बी स्प्रिंकल्ड इन द वाटर फिल्ड पिट्स एटसेट्रा और जो पानी से भरे गड्ढे हैं उनमें कैरोसिन ऑयल का छिड़काव करना चाहिए अब यहाँ पर है रीड द फॉलोइंग लाइंस दी गई लाइंस को पढ़िए एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस इन फोर और फाइव लाइंस और जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उनको चार या पांच लाइन में उनका आंसर दीजिए तो यहाँ पर सबसे पहले हम लाइन पढ़ेंगे डॉग्स मार्क आउट देयर ऑन एरिया ऑन द रोड जो डॉग होते हैं वो रोड पर अपने एरिया को मार्क आउट कर लेते हैं दे कैन मेक आउट इफ़ अनोदर डॉग हैज़ कम इन टू देयर एरिया बाय द स्मेल ऑफ यूरिन यदि उनके एरिया में कोई दूसरा कुत्ता आता है तो वो उसके यूरिन से पता लगा लेते हैं कि यहाँ पर दूसरे एरिया का डॉग आया है एंड पॉटी देयर सेंस ऑफ स्मेल इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग उनकी सूंघने की क्षमता जो है बहुत तीव्र होती है अब यहाँ पर क्वेश्चन है वेयर डू वी जनरली यूज़ दिस स्मेलिंग पावर ऑफ डॉग्स हम जो है डॉग्स की इस स्मेलिंग पावर का यूज़ कहाँ करते हैं तो इसका आंसर होगा डॉग्स यूज देयर सेंस ऑफ स्मेल डॉग्स जो हैं अपनी सेंस ऑफ स्मेल का यूज टू सर्च फॉर फूड खाना तलाशने में करते हैं टू लोकेट बॉम्ब्स बॉम्ब्स ढूंढने में टू आइडेंटिफाई थीव्स चोरों को पहचानने आदि में करते हैं नाउ नेक्स्ट इज ऑन संडे आयसाज कजिन ब्रदर हामिद केम टू तो हर हाउस टू तो प्ले संडे के दिन आयशा का कजिन भाई जो है हामिद उसके घर खेलने के लिए आया एज सुन एज ही केम जैसे ही वह आया ही हिज आंट टू मेक हिज फेवरेट शक्कर पारे तो उसने अपनी आंट से उसके पसंदीदा शक्कर पारे बनाने के लिए कहा अम्मी शेर तो अम्मी ने कहा लेट मी कम बैक फ्रॉम द मार्केट कि मुझे बाजार से वापस आने दो देन आई विल मेक सम फॉर यू तब मैं तुम्हारे लिए थोड़े बनाऊंगी वाई डोंट यू हेल्प मी तुम मेरी मदद क्यों नहीं करते टेक टू ग्लासेज ऑफ वाटर एंड एड ए बोल ऑफ सुगर इन इट दो गिलास पानी लो और इसमें चीनी मिला दो मिक्स इट टिल इट डिजोल्व और जब तक ये घुल ना जाए इसे इसमें मिला दो हामिद थॉट तो हामिद ने सोचा लेट मी फिनिश दिस वर्क फास्ट कि मुझे ये काम जो है जल्दी से फिनिश करना है देन आई विल वॉच टी वी तब मैं टी वी देखूंगा नाउ क्वेश्चन इज वॉट मीजर्स वुड यू सजेस्ट टू हामिद टू डिजोल्व शुगर इन वाटर क्विकली आप जो है हामिद को क्या सजेस्ट करेंगे कि जिससे जो शुगर है वो पानी में जल्दी डिज़ोल्व हो जाए जल्दी घुल जाए तो आंसर होगा इफ़ हामिद वांट्स टू डिज़ोल्व सुगर इन वाटर क्विकली यदि हामिद वाटर में सुगर को जल्दी डिज़ोल्व करना चाहता है देन ही विल हैव टू वॉम इट तब तो उसे इसे यानी कि पानी को गर्म करना होगा बाय एडिंग सुगर टू द वाटर, उस पानी में सुगर मिलाकर उसे गर्म करना होगा एंड एट द सेम टाइम कीप स्टरिंग द मिक्सचर विद आई स्पून और उसी समय इट इटमी साथ साथ उसे उस मिक्सर को चम्मच से चलाते रहना होगा इस तरीके से जो शुगर है पानी में जल्दी से मिक्स हो जाएगा तो आप इस तरीके से इसे कंप्लीट करेंगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल प्लीज सब्सक्राइब द चैनल थैंक यू